और बीजेपी के एंटी रेडिकल सेल को लेकर जो आम आदमी पार्टी नेता हैं, वो जमकर आरोप लगा रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर निशाना साधा है। 27 साल बाद भी बच्चे पूछ रहे हैं कि स्कूल कहाँ है, गुजरात में अस्पताल और नौकरियां कहाँ हैं। ये सिसोदिया कह रहे हैं बात चांद की करते हैं, जमीन गंदी कर रखी है। और एक्सक्लूसिव बातचीत मनीष सिसोदिया से सुनिए, किस तरह से आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर। आपकी गुजरात के लिए गारंटी मैंने देखी, उसमें आपने शिक्षा की बात की, रोजगार की बात की, बीजेपी का भी संकल्प पत्र आया है, 40 वादे किए हैं, एंटी रेडिकलाइज सेल बनाने की बात कर रहे हैं, इसको आप कैसे लेते हैं? 27 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को गुजरात की सरकार चलाते चलाते, आज गुजरात का 27 साल बाद भी आम बच्चा पूछ रहा है, आम परिवार पूछ रहा है, भाई मेरे बच्चों के स्कूल कहाँ हैं, मेरे बच्चों के कॉलेज कहाँ हैं, मेरे लिए अस्पताल कहाँ हैं, मेरी नौकरियाँ कहाँ हैं, नौकरियाँ निकलती हैं तो पेपर फूटते हैं, बात चांद पे ले जाने की करते हैं, जमीन गंदी कर रखी है। तो मनीष सिसोदिया को आपने सुना, रवि मिश्रा भी हमारे साथ मौजूद है। रवि, जो ये एंटी रेडिकल सेल बनाने की बात हो रही है कि इस तरह से सेल बनाकर जो सांप्रदायिक ताकतें हैं या फिर माहौल बिगाड़ने वाले लोग हैं उन पर नकेल कसी जाएगी, क्या ये एक तरह से एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से बचने के लिए ये एक बड़ा कदम है जो संकल्प पत्र में किया गया है? मनीष सिसोदिया तो कह रहे हैं स्कूल नहीं है, पढ़ाई नहीं है, ये किस काम की होगी? 27 साल बाद निधि, अगर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की बात की जा रही है तो ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर ये फैक्टर होता तो शायद बीजेपी को 2017 में भी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता, शायद हार जाती बीजेपी। एक चीज़ जो है, जो गुजरात में आप घूमें तो एक बात बीजेपी ही नहीं बल्कि लोगों की तरफ से कही जा रही है, खासकर मैंने जो मुस्लिम तबका है उनसे भी बात की तो उन्होंने ये हमें जोर देकर कहा कि 2002 के बाद से अमूमन गुजरात में शांति है, कोई भी बड़े झगड़े या बड़ी लड़ाई या बड़ा विवाद इस तरह का पैदा नहीं हुआ। तो एक फैक्टर तो ये है, क्या उस शांति को मेंटेन करने के लिए आने वाले किसी खतरे को देखते हुए ये भरोसा या ये वादा दिया जा रहा है, या फिर चुनाव में इसका कोई बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया जा सकता है, शायद ये भी एक कोशिश है इस बयान का मतलब। अच्छा, एक बदलाव भी साफ तौर पर नजर आता है। दीपक झा, एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगा, जब भी बीजेपी के घोषणा पत्र में या चुनावी वादों में इस तरह की बातों का जिक्र होता था तो फट से कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाया जाता था कि भाई देखिए ये माइनॉरिटी के खिलाफ उठाया गया कदम है, बीजेपी सांप्रदायिकता की राजनीति कर रही है। लेकिन इस बार गुजरात चुनावों से कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी ऐसे आरोप नदारद हैं, इसके पीछे कुछ खास वजह? देखिए, कोई खास वजह नहीं है, लेकिन ये सबको पता चल गया है तो बार बार उसी बात को दोहराना और बार बार कहना कि भाजपा सिर्फ एक ही चीज की राजनीति करती है, इस बार कांग्रेस नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जोखिम मोल नहीं लेना चाहते अब आप? इस बार कांग्रेस असली ये खतरा याद दिला रही है कि मोदी जी कह के गए थे कि हम डीजल पेट्रोल को 40 रुपए लाएंगे। अच्छा, उन मुद्दों पे चुनाव के समय दूध की कीमतें पूरे देश में बढ़ जाती हैं, उन मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए, ना कि हर वक्त आप हिंदू मुसलमान करते रहिए। ये भाजपा का चाल और चरित्र संस्कार है। अभी आपने बताया कि इनको एंटी रेडिकलाइजेशन याद आता है, चुनाव के समय ही, अरे 27 सालों से आप सत्ता में सो रहे थे क्या, अभी आप जागृत नहीं? मनोज जी जल्दी से छोटा जवाब, 10 सेकंड। ऐसा है कि 27 सालों से ये लोग केवल घोषणा पत्र ही जारी कर रहे हैं, इनके वादे ना जनता ने सुने ना इनके इनके ऊपर विश्वास किया, क्योंकि ना नेता है ना नीति है और ना नियत है। और एक किस बात की बात करते हैं, ये खाम का एक कंसेप्ट लाने वाले माधव सिंह सोलंकी थे इनके मुख्यमंत्री, जिन्होंने समाज में वैमनस्य फैलाने का काम किया, समाज को बांटने का काम किया, किस तरह से वहां पर 250 दिन तो लगातार वहां कर्फ्यू रहता था। और आज अगर कानून व्यवस्था अच्छी हुई है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भाजपा के नेतृत्व में गुजरात। लेकिन इसको लेकर अब रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं, मैं रोकना चाहूंगी, एंटी रेडिकल सेल पर आजम खान का बयान भी यहां सुन लेते हैं, इस पर चर्चा करने से पहले ये सुन लेते हैं आजम खान ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है। एंटी रेडिकल सेल पर आजम खां का यह बयान सामने आया कि यह सरकार का फैसला है, मैं सरकार में नहीं हूं, और बीजेपी सरकार में ऐसे हालात सोचने का ही सबसे बड़ा विषय बन जाते हैं।